नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार छाबड़ा है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। मेरा अपना क्लिनिक जो सेक्टर 9 रोहिणी में आनंदा मेडिकेयर के नाम से है, वहाँ पे शाम के वक्त प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं एक डायलिसिस सेंटर, सालोके डायलिसिस सेंटर, जो कि निठाला मेट्रो स्टेशन के साथ में है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो है कि किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ दो प्रकार के मेनली हम डिवाइड करना चाहते हैं, वो है एक्यूट किडनी इंजरी और दूसरा है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब कि जो अभी हाल फिलहाल में किसी दवाई के असर से या इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे कोई ऐसा असर पड़ा है जो कि रिवर्सिबल है, और जैसे ही वो इन्फेक्शन ट्रीट होता है या फिर दवाई का असर ख़त्म होता है तो ज़्यादातर वो ट्रीट होने के लायक होता है। इसमें किडनी पूरी तरह ठीक हो सकती है और इसमें ये पूरी तरह रिवर्सिबल है। जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे कि टर्म बता रही है, यानी कि जो धीरे धीरे जो ओवर द टाइम पीरियड ग्रेजुअली डेवलप किया है, जिसमें ये रिवर्सिबल नहीं रहता। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण डायबिटीज़ फॉलोड बाय हाइपरटेंशन, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉज वर्ल्ड ओवर भी इम्पॉर्टेंट है और इंडिया में भी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं। इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। यूजली अगर डिजीज़ स्टार्ट हो जाता है तो ये आगे प्रोग्रेस करता है। स्पीड ऑफ प्रोग्रेस कैन डिपेंड अपॉन कि कितना प्रोटीन लीक हो रहा है और क्या कॉज है किडनी डिजीज़ का, या फिर किस स्टेज में हमने उसको इनिशियली डिटेक्ट किया है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से आगे की प्रोग्रेशन का स्पीड पता चलता है। अगर सही समय पे नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आते हैं तो ये स्पीड जो बढ़ने की प्रोग्रेशन की स्पीड है, इसको या तो थामा जा सकता है या इसको स्लो डाउन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एडिक्वेट मेडिकेशंस। इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपनी डायबिटीज़ की मेडिकेशंस को, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस को सही तरीके से लिया जाए ताकि वो कोई हार्म ना करें और किडनी डिजीज़ के लिए एकदम अप्रोप्रिएट रहें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 की स्टेज में आते हैं, और कुछ पेशेंट हमारे पास इनफैक्ट एकदम एंड स्टेज रिनल डिजीज़ जो कि स्टेज 5 में प्रेजेंट करते हैं। डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट में भी चेंजेस आ सकते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में जो इम्पोर्टेंट हमारा डिसीजन रहते हैं वो रहते हैं कि पेशेंट को वैक्सीनेशन करना टूवर्ड्स हेपेटाइटिस बी, टूवर्ड्स निमोनिया, टूवर्ड्स इन्फ्लुएंजा। मोरओवर वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायलिसिस इन द फोर्थ कमिंग स्टेज, यानी कि आने वाले वक्त में जो डायलिसिस की ज़रूरत पड़नी है उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, उसको एवी फिस्टुला के लिए रेडी करना है, आगे ट्रांसप्लांट के लिए उसे प्रेरित करना है कि जहाँ पे वो सही निर्णय लेके, सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को सेव कर पाए। फाइनली जब पेशेंट स्टेज 5 यानी कि एंड स्टेज रिनल डिजीज़ में पहुंचता है, जब यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 की तादाद से कम हो जाता है, तो ऐसे स्टेज में आगे बढ़कर डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। डायलिसिस दो प्रकार की रहती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ज़्यादातर हम जो देखते आ रहे हैं वह हीमोडायलिसिस, यानी कि जिसको हम खून की सफाई बोलते हैं, जिसमें एक मशीन के ज़रिए फिल्टर किया जाता है और ब्लड वापस पंप किया जाता है। दूसरा होता है पेट की डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस जिसे बोलते हैं, जिसमें पेट में एक कैथेटर डाला जाता है और दिन में 3 बार ही पेशेंट अपने घर पे मशीन की सहायता से या फिर मैनुअली एक्सचेंजेस करते हैं। लेकिन इन सब में से उच्चतम जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट मीन्स रीनल ट्रांसप्लांटेशन। पहले अगर आज से 10 साल पहले के हम डेटा देखें तो हम सिर्फ ये कहते थे जो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल पेशेंट्स हैं, जो डोनर हैं, वो अपने पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन आज की डेट में इनफैक्ट हमारे पास और बहुत सारी मैनेजमेंट आ चुकी हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम आगे रिजल्ट्स इम्प्रूव कर पाते हैं। ख़ासतौर पर आज के डेट में हमारे पास एबी इनकम्पैटिबल स्वैप ट्रांसप्लांट, इनकी भी सुविधा उपलब्ध है। एबी इनकम्पैटिबल एक नई तकनीक है जिसमें अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तब भी हम आगे ट्रांसप्लांट के लिए सोच सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी के टाइटर्स कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रीटमेंट रेजिमन प्लान करते हैं और पेशेंट को आगे ट्रांसप्लांट के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर सही तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाए तो एबीएन कंपैटिबल के रिजल्ट्स और ब्लड ग्रुप कंपैटिबल के रिजल्ट्स लगभग सेम है, दोनों में 95 to 98% सक्सेस रेट है। एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस,
जहाँ पे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर रहती है, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। पेशेंट्स को केवल रेगुलर अपनी मेडिकेशंस लेनी है और ऐसा कोई हॉस्पिटल ज़्यादातर आने की रेगुलर जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे कि डायलिसिस पेशेंट में वो हफ्ते में 3 बार ही आते हैं, यहाँ पे वो महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार ही दिखा के भी वो एडिक्वेट ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन इसका लोग दूसरा लोगों का सोचने का ज़रिया है कि क्या फाइनेंशियली ये साउंड है। यस, फाइनेंशियली भी रीनल ट्रांसप्लांट से बेहतर कोई और टेक्निक नहीं है। 3 साल के अंदर रीनल ट्रांसप्लांट अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है, इनफैक्ट वो आने वाले वक्त में डायलिसिस के मुकाबले ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो हमेशा पेशेंट्स के लिए, यंग पेशेंट के लिए रीनल ट्रांसप्लांट एक अच्छी ऑप्शन रहती है। रीनल ट्रांसप्लांट से सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज नहीं आता, इनफैक्ट उसकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आता है। अगर हम डेटा देखें जो कि अमेरिकन डेटा है, अमेरिकन डेटा ये कहता है कि डायलिसिस पे 5 साल के बाद करीब 50% ही सर्वाइवल है, और अगर डायबिटिक पेशेंट में देखें तो सर्वाइवल रेट 35% है केवल। लेकिन हमारे पेशेंट जो कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में अगर देखें तो सर्वाइवल रेट इज़ मोर देन 90% आफ्टर 5 ईयर्स। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ अमेजिंग, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसकी वजह से आज की दुनिया में ट्रांसप्लांट के लिए इतना फोकस किया जा रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं डे इन एंड आउट। कैसे चैलेंजेस? क्योंकि अब हमारी फैमिली जो है चेंज हो रही है, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो इतने सारे डोनर्स अवेलेबल नहीं रहते। कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता या कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से डोनर सही स्थिति में नहीं मिल पाते हैं, तो हमें कुछ और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट इंडिया में, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, बहुत स्लो चल रहा है। एंड देखें तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, वो तो टोटली 100% कैडेवरिक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तमिलनाडु में बहुत अच्छा रेट चल रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड। अब हमें यही चीज़ दुनिया में प्रेरित करनी चाहिए, खासतौर पर अपनी पॉपुलेशन में यही लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि मृत्यु उपरांत अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, जहाँ पर भी कर सकते हैं। हम जीते जी तो काम आए लोगों के, और मरने उपरांत भी जितने लोगों के लिए काम आ सकें वो हमारी कोशिश रहनी चाहिए। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से हम ये नहीं कह सकते कि हम किडनी को सेव कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पेशेंट की लाइफ बेहतर हो सकती है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ और आंसर सोचे जा सकते हैं। और एक बात जो मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट किडनी की लाइफ होती है अपनी 12 से 15 साल, कई बार कुछ पेशेंट्स में 30 से 32 साल तक भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में 12 से 15 साल की उसकी हाफ लाइफ रहती है। एंड इसी वजह से हमें डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट सोच के रखने चाहिए, डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट, रीट्रांसप्लांट, सब ऑप्शंस हमारे लिए ओपन रहने चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एडिक्वेट ट्रीटमेंट, यानी कि अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट सोचा जाए, सही तरीके से प्लान किया जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो सकती है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ मतलब ईयर्स ऑफ द लाइफ कैन बी इंक्रीज। बट ऑब्वियसली अभी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को पूरी तरह रोक सकते हैं। मे बी आने वाले वक्त में फ्यूचर टेक्निक्स कुछ इसके लिए आंसर दे पाएँ। थैंक यू।